अभी हम बंदरोल में बिल्कुल नेशनल हाईवे के साथ लगते जंगल में खड़े हैं और हमको इस बात की सूचना प्राप्त हुई कि इस जंगल में 28-29 जून की रात्रि को 21 पेड़ काटे गए हैं और जिसका 30 तारीख को ग्रामीणों को पता चला और फिर ग्रामीणों ने इसकी सूचना ग्राम पंचायत को दी और वन विभाग को भी इसकी सूचना दी है और उसके पश्चात ये जानकारी मिली है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने FIR लॉन्च की है। लेकिन आज एक महीना से अधिक समय हो गया है, यानी एक महीना और लगभग 19-20 दिन हो गए हैं। इतने दिनों में अभी तक ना कोई ठीक प्रकार से जांच हुई है, ना कोई गिरफ्तारी हुई है कि आखिरकार नवोदय स्कूल के साथ नेशनल हाईवे के साथ 21 पेड़ों को काटा गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और यहाँ पर ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, उप प्रधान और ग्रामीण लोग हैं, तो सभी का ये कहना है कि कम से कम इस बात का पता तो चले कि 21 पेड़ों को काटने वाले कौन हैं। और ये बिल्कुल नए यंग पेड़ थे जो कुछ वर्ष पहले ही ग्रामीणों ने लगाए हैं और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के माफिया को बचाने का काम किया जा रहा है, राजनीतिक संरक्षण से प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उन सब के अंतर्गत भी कानूनी धाराओं के अंतर्गत इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और यहाँ पर एक बात और जो हमें बताई गई कि जब ये पेड़ काटे गए तो साथ लगते जो बगीचे के मालिक हैं श्री सतपाल जी, श्री शमशेर सिंह जी, उनके बगीचों का भी नुकसान हुआ है, उनके पेड़ों को क्षति पहुंची है और उन्होंने भी व्यक्तिगत तौर पर उस परिवार ने भी FIR लॉन्च की है, लेकिन अभी तक उनको भी ठीक प्रकार से न्याय मिल नहीं पाया है। ना तो उनको अभी तक वन विभाग ने कोई जवाब दिया है, ना ही कोई पुलिस की तरफ से भी उनको कोई सूचना दी गई है। तो मुझे लगता है इस प्रकार की अनदेखी करना निश्चित रूप से अपराध को बढ़ाने के बराबर है और इसे इस वन माफिया पर अंकुश लगाने के लिए जल्द से जल्द ये बंदरोल में जो 21 पेड़ काटे गए इस पर जल्द से जांच